तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेंगोलबर्ग्स मेथड। इससे पहले हमने किया था एंजाइम कैटालिसिस, जिसमें हमने रेट निकाल लिया था। तो हमारा फाइनल रेट क्या था? R इज इक्वल टू वी मैक्स एस के एम प्लस एक्स, ये हमारा फाइनल रेट निकल के आया था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा एंजाइम कैटालिसिस और माइकल मेंटेन कांस्टेंट पे जो हमारे ये रेट निकल के आए, इसके बाद हमारे तीन प्लॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे तीन प्लॉट्स में से फर्स्ट प्लॉट है हमारा लेंगवर्ग्स मेथड, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो रेट निकल के आता है एंजाइम कैटालिसिस में, उसको हम सिंपली रिवर्स कर देते हैं। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/r के एम प्लस एक्स वी मैक्स एस, ये आ जाएगा। अब हम इसको रिवर्स तो कर दिया, उसके बाद हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 1/r ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1/r, अब के एम वी मैक्स एस प्लस एस वी मैक्स एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 1/r के एम वी मैक्स एस प्लस वी मैक्स। आप देखो हमारा इतना आ गया। इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है। बेसिकली हमारा इसमें इतना ही है। ठीक है, हमारी स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है, हमें ग्राफ इसी से प्लॉट करना होता है। तो हमारा y एक्सिस पे क्या आ गया? 1/r, एक्स एक्सिस पे आ गया हमारा 1/s। ठीक है, k बाय एम हमारा स्लोप हो जाएगा और इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/vmax। ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, y एक्सिस पे हम लिख लेंगे 1/r, x पे हम ले लेंगे 1/s, ये यहाँ से प्लॉट होगा। ठीक है, यहाँ से प्लॉट होते होते ये पीछे की तरफ नेगेटिव की तरफ भी इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/vmax। इतना ये इंटरसेप्ट हमारा 1/vmax, और जो हमारा स्लोप निकल के आएगा m, दैट इज के एम बाय वी मैक्स। तो ये हमारा हो गया लेंगवर्ग्स मेथड। देन उसके बाद हमारा आता है सेकेंड प्लॉट, उसी में एंजाइम कैटालिसिस में, वो हमारा आ जाएगा एडी हॉफस्टर मेथड। वो आ जाएगा हमारा एडी हॉफस्टर मेथड। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी एज इट इज सेम होगा, बट इसमें क्या होगा ना, हमें इसमें आर बाय एस के टर्म्स में हमें लाना होगा। जो हमारा प्लॉट बनेगा ना, वो आर बाय एस जो होगा हमारा वाई एक्सिस पे आना चाहिए। ठीक है, तो हमें आर बाय एस लाना होगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1/r। ठीक है, तो सेम वही करेंगे, पहले हम रेट लिख देंगे, रेट हमारा इज वी वाई एक्स एस अपॉन में के एम प्लस एस, दिस इज द रेट वी गॉट इन एंजाइम कैटालिसिस। ओके, सो अब हमें आर बाय एस वाला आर बाय एस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आर के साथ, तो आर के एम प्लस एक्स, ठीक है, वी मैक्स एस मल्टीप्लाई कर दो, आर के एम प्लस आर एस इज इक्वल टू वी मैक्स एस। ठीक है, अब दोनों एस वाले टर्म्स को साथ रख देंगे, आर के एन वी मैक्स एस माइनस आर, एस कॉमन ले लेंगे, ये एज इट इज एस यहाँ से कॉमन ले लिया, दिट विल बिकम वी मैक्स माइनस आर, देन एस को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आएंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि दिस के एम जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आर वी मैक्स माइनस आर अपॉन में के एम, और इस वाले मल्टीप्लाई को इसके आर के नीचे रख देंगे, ये मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब देन आर बाय एस आ गया, ये आ गया, इसको स्प्लिट कर देंगे, वी मैक्स
माइनस आर अपॉन में के एम अपॉन में के एम, और ये रह जाएगा हमारा आर बाय एस. तो फाइनल इक्वेशन विल बी दिस. इसके बेसिस पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है. सो द इक्वेशन वी गॉट फॉर एडी हॉफस्टर इज दिस. सो वी हैव टू फाइंड आउट विच इज एम, हमारा स्लोप क्या रहेगा, इंटरसेप्ट क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स पे क्या है. तो हमारा वाई एक्सिस पे तो यही रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्म किया है आर बाय एस, ठीक है. तो वाई एक्सिस पे हमारा रहेगा आर बाय एस, और हमारा एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, हमारा रहेगा आर, ये वाला आर, ठीक है. इसको हम माइनस आर भी बोल सकते हैं, माइनस नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग माइनस को ना स्लोप में लेके चले जाएंगे. वन माइनस वन बाई के एम को हम स्लोप दे देंगे, वो हमारा स्लोप बन जाएगा. तो ये हमारा आर, देखो हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. देखो वाई हमारा, देख प्लॉट प्लॉट की अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ. प्लॉट बनाएंगे, वाई पे हमारा आ गया आर बाय एस, ठीक है. एक्स पे हमारा आ गया आर. अब ये इस तरह से इसका स्लोप आए, स्लोप नहीं ग्राफ आएगा. ये हमारा इंटरसेप्ट जो कि हमारा हो जाएगा वी मैक्स बाय के एम, एंड हमारा स्लोप आ जाएगा एम जो होगा वो हमारा माइनस के बाय माइनस वन बाय के एम. ये इस तरह से हमारा एडी हॉफस्टर प्लॉट आएगा. थर्ड जो हमारा प्लॉट है वो है हमारा डिक्सन प्लॉट, ठीक है. अब डिक्सन प्लॉट में क्या होता है, सेम उसी की तरह सबसे पहले हम एंजाइम कैटालिसिस में जो हमारा रेट निकल के आया था वो लिख लेंगे. हमारा रेट निकल के आया था वी मैक्स एस अपॉन में के एम प्लस एस, यही निकल के आया था. तो हमने क्या देखा, एडी हॉफस्टर में जो हमारा वाई एक्सिस पे जो है वो हमारा आ रहा है आर बाय एस. तो डिक्सन प्लॉट में ना इसका रिवर्स होता है, हमारा एडी हॉफस्टर का रिवर्स हो जाएगा. तो हमारा जो वाई एक्सिस पे आएगा ना वो हमारा आएगा एस बाय आर, ठीक है. अब वो कैसे आएगा, हम पहले इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है. ये हमारा हो जाएगा वन बाय आर के एम प्लस एस अपॉन में वी मैक्स एस, स्प्लिट कर देंगे वन बाय आर के एम वी मैक्स एस प्लस एस वी मैक्स एस. एस से एस कैंसिल, नहीं अभी इसको कैंसिल नहीं करते, एस एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है. तो वन बाय आर, हम क्या करते हैं ना इसको कॉमन ले लेते हैं, वन बाय एस एस वाले को और इस वाले वन बाय एस को, तभी तो हम एस बाय आर ला पाएंगे. तो वन बाय एस को कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे बच्चा हमारा के एम बाय वी मैक्स प्लस एस बाय वी मैक्स, ठीक है. उसके बाद जो हमारा ये एस आया इसको इधर की तरफ ले आएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा एस बाय आर, और ये हमारा बच्चा के एम बाय वी मैक्स प्लस एस बाय वी मैक्स. ये हमारी आ गई इक्वेशन. इससे हमको करना है ग्राफ ड्रॉ और प्लॉट, ठीक है. ये हमारा आ गया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर हम इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो वाई अप पे आ गया हमारा एस बाय आर, एस पे आ गया हमारा एक्स पे एस आ जाएगा, और वन वाई मी मैक्स हमारा इसका अपोजिट है. तो ये इस तरह से बनेगा हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा के एम वाई वी मैक्स, ठीक है. स्लोप हमारा आ जाएगा वन बाय वी मैक्स. तो ये हमारा हो गया तीन प्लॉट, ये हमारा हो गया डिक्सन प्लॉट. तो इससे एंजाइम के बाद ये हमारे तीन प्लॉट हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इनसे बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, या फिर कॉलेज वाले एग्ज़ाम्स में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, कि कौन से प्लॉट्स होते हैं, कैसे बनते हैं, किस एक्सिस पे क्या होता है. तो ये प्लॉट तो हो चुके हैं. उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस के बाद हमारे ये प्लॉट है. उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा इनहिबिशन. इनहिबिशन दो टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि मुझे आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें मैं डायरेक्टली डेरिवेशन से स्टार्ट कर दूँ. तो जो हमारा इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है,
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो हमारा इनहिबिशन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब इसमें भी ना हमारे फोर टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहले तो उससे पहले हमारा क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव होता है वो एक होगा फुली और एक पार्शली, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो भी एक होता है, एक फुली और एक पार्शली। तो हमारा इसको डिवाइड कर देंगे एक फुली में, फुली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है, इसको पार्शली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इसको भी वापस से डिवाइड कर देंगे टू पार्ट्स में, फुली फुली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, इसको भी कर देंगे पार्शली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब क्या होता है ना कि ये चार तो बन गए हमारे, लेकिन हम इसके इस मतलब इंडिविजुअली हम एक एक इनहिबिशन में हमारे फोर स्टेप्स होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे मान लो हमें फुली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें भी हम चार स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके जैसे ही हम पार्शली में चार पढ़ेंगे, उसके जैसे ही फुली नॉन कॉम्पिटिटिव में, उसके जैसे ही पार्शली नॉन कॉम्पिटिटिव में, हमारे जो स्टेप्स होंगे ना वो सेम रहेंगे थ्रू आउट द इनहिबिशन, चाहे वो फुली हो कॉम्पिटिटिव हो, पार्शली कॉम्पिटिटिव हो, फुली नॉन कॉम्पिटिटिव हो या पार्शली नॉन कॉम्पिटिटिव हो। तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस लिखते हैं। रिएक्शन कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी रिएक्शन हो रही है, उसमें रेट कांस्टेंट कौन सा है, कब सब्सट्रेट बन रहा है, कब एंजाइम ऐड हो रहा है, वो सब हम इसमें लिखेंगे। सेकंड जो हमारा होता है स्टेप होता है वो होता है इंटरमीडिएट। सिंस दिस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट तो दे कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ओके। तो इसमें हमें SSA अप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ अ स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। वो मैं डेरिवेशन के टाइम बता दूंगी। इसमें हमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से जो भी रिएक्शंस होती हैं हमें उनका देखना पड़ता है कि कैसे किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थर्ड हमारा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन। जितनी रिएक्शंस है हमारी उसमें फाइनल रेट हमारा क्या निकल के आ रहा है वो हम डिस्क्राइब करेंगे थर्ड स्टेप में, दैट विल बी दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ है गया हमारा प्लॉट, फोर्थ स्टेप हमारा प्लॉट, फाइनल प्लॉट। तो मेनली हम इसमें चार स्टेप्स देखते हैं। अब ये सब में आता है, ठीक है, इसमें भी आएगा, पार्शियली फुली कॉम्पिटिटिव में भी आएगा, ठीक है, फुली नॉन कॉम्पिटिटिव इसमें भी आएगा इनहिबिशन में, और पार्शियली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में भी आएगा, ठीक है। फुली में भी आ गया, पार्शियल में भी आ गया, इन दोनों में आ गया, ठीक है। ये चारों स्टेप्स ना सब में सेम होते हैं, मतलब स्टेप की हेडिंग सेम होती है लेकिन जो अंदर का कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है सब में, ठीक है। तो फाइनल हम नेक्स्ट टॉपिक में ये नेक्स्ट वीडियो में ये करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, अब उसका मैं वहाँ पर डायरेक्टली डेरिवेशन आपको स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है, ओके। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आए कि कहाँ से क्या हो रहा है, आगे क्या करवाने वाली हूँ मैं, और पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख के आएँ ताकि आपका आगे का समझ आ पाए। अगर आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आगे वाली वीडियो में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये बात मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी बट मैं भूल गई थी। बट आगे से आप पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख के आइएगा और पूरी देख के आइएगा, तभी आपको आगे का समझ आ पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं आगे और वीडियोस बनाती रहूँगी। और कंटेंट आप जो भी चाहते हैं, आपको जो भी पढ़ना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।